बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। ये आपकी वर्कशीट 6 हम डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है स्टूडेंट्स 12 अक्टूबर 2020। ये सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान, जो कि हिंदी मीडियम में है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कक्षा है आपकी 6th क्लास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंडिविजुअल वर्कशीट है ये आपकी, तो एज यूजुअल अपना नाम लिखना है बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो हम डिस्कस करेंगे और इसमें पढ़ेंगे कि विविधता क्या होती है, भेदभाव क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। तो जल्दी से बच्चों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत तुरंत फ्यूचर में मिलती रहे, ठीक है बच्चों। तो विविधता क्या होती है वो देखते हैं। हमारे देश में विभिन्न जाति के, धर्म के, नस्ल के आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं, जिससे कि उनका खान पान, भाषा और रहन सहन अलग अलग होता है, परंतु हम एक साथ मिलकर रहते हैं, उसी को कहते हैं विविधता, ठीक है बच्चों। तो अलग अलग जाति के या धर्म के, अलग अलग नस्ल के लोग जो रहते हैं, उनका खान पान भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, फिर भी वो एक साथ रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं बच्चों विविधता, ठीक है। जब लोग पूर्वग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं, सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, भेदभाव। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि ये फलाना का लड़का तो ऐसा है, फलाने की लड़की तो ऐसे है, ये तो ऐसे धारणाओं के हैं, ये ऐसे करते हैं। तो मतलब क्या है, सुनी सुनाई बातों पर अगर आप विश्वास करते हैं और उससे भेदभाव क्रिएट हो जाता है, तो उसको बोला जाता है भेदभाव, ठीक है बच्चों। प्रतिदिन हम अपने आसपास देखते हैं, लड़के और लड़कियों में होने वाले भेदभाव को महसूस करते हैं। ऊपर हमने देखा भेदभाव का मतलब क्या है, अब हम पढ़ रहे हैं लड़के और लड़कियों के बीच में। हम आपस में देख रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं कि अलग अलग भेदभाव का महसूस होता है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह का भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में इस प्रकार की बातें आमतौर पर आप सुनते हो और सुनी जाती है कि लड़के जो है वो बहादुर होते हैं और लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, परंतु यह सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें केवल किसी के लड़के या लड़की होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, समाज में समानता का बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसी के ऊपर आज की वर्कशीट है, इसी के ऊपर हम प्रश्न और उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, आमतौर पर मुक्केबाजी को पुरुषों का खेल माना जाता है, वह खाना पकाना महिलाओं का कार्य माना जाता है, ठीक है बच्चों। तो परंतु संजीव कपूर ने खाना पकाने को, वह मैरी कॉम व सरिता देवी ने मुक्केबाजी को नई ऊंचाइयां प्रदान की। जैसे कि यहाँ पर संजीव कपूर जो है वो लड़के थे, उन्होंने खाना पकाया, मतलब महिलाओं वाला का काम जो माना जाता है वो करा, और मैरी कॉम एंड सरिता देवी दोनों की दोनों लेडीज थी, दोनों ने मुक्केबाजी की नई ऊंचाइयां उन्होंने प्रदान की। इसी प्रकार आपको अपने समाज में उपस्थित ऐसे लोगों की सूची बनाइए जिन्होंने ऐसे लैंगिक भेदभाव को तोड़ा है। तो देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, पहले का प्रश्न का उत्तर है, हमारे घर के पास एक औरत है जो कि रिक्शा चलाती है। तो आप देख सकते हो, जनरली हम देखते हैं रिक्शा जो चलाते हैं वो कौन होते हैं, वो जनरली जेंट्स होते हैं, मगर एक औरत रिक्शा चलाती है, तो मतलब ये एक अलग ही रूप है। और हमारे घर के आसपास एक आदमी है, घर में बच्चों को संभालता है। तो बच्चों को यहाँ पर बच्चों ऐसे लिख लेना, तो ये ना लिखना, तो बच्चों को संभालता है, मतलब जहाँ आमतौर पर आपने देखा होगा कि लड़कियाँ या लेडीज ही बच्चों को संभालती है। तो इस तरह से हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आपको भी समझना है, देखना है और उसको करना है, क्लियर। उसकी बात है, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है, अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। विविधता हमने ऊपर देखा था बच्चों, विविधता का मतलब क्या है, जो अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, अलग खान पान है, फिर भी वो साथ में रहते हैं, तो उसको विविधता बोला जाता है। तो इसी के ऊपर हमें देखना है, यह हमें यह समझने में मदद करता है कि एक चीज को कई अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है, अगर आप अलग अलग तरह के बंदे साथ में रहेंगे तो अलग अलग तरीके वो सीखेंगे और अलग अलग तरीकों से वो एक चीज को कर सकते हैं। दूसरा, यह हमें सहनशील और खुले विचारों वाला होना सिखाता है।
क्योंकि हम एक दूसरे जाति के या एक दूसरे धर्म के लोग रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनके धर्म में क्या होता है, दूसरे को पता चलेगा आपके धर्म में क्या होता है। तो इस तरह से सहनशीलता और खुले विचार आपके अंदर आएंगे और सीखोगे। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी कंप्लीट वर्कशीट सोशल साइंस की। तो जल्दी से बच्चों, अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे फ्यूचर में। और फाइनली बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिससे कि सभी बच्चे टाइमली कम्प्लीटली वर्कशीट को कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।